हेलो फ्रेंड, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हम में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं नोबल पुरस्कार, जिनकी घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई है और ये 10 दिसंबर 2023 को दिए जाएंगे। जो नोबल पुरस्कार होता है ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नोबल पुरस्कार किस तारीख को दिए जाते हैं, तो ये 10 दिसंबर में दिए जाते हैं। ये हैं अल्फ्रेड नोबल, जिनकी याद में ये नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1901 में, और अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: भौतिक, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, मेडिसिन या फिजियोलॉजी भी आती है इसके अंदर, और एक है शांति। अर्थशास्त्र को छोड़कर बाकी ये 5 पुरस्कार 1901 से शुरू हो गए थे, और अर्थशास्त्र का हुआ है 1969 से। तो शांति को छोड़कर ये बाकी 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति का दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो है और नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का। बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर। भारत अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए साथ में हमने इमेज को लगाया हुआ है। ये जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है क्लाउडिया गोलीडन को, जैसा आप देख पा रहे हैं। आंसर हो गया ए। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आगे देखते हैं। अभी ये जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसका अन्य नाम जो है इसे रिक्सबैन पुरस्कार भी कहते हैं। इसकी शुरुआत अर्थशास्त्र वाले की हुई है 1969 से, और शेष 5 की शुरुआत हुई है 1901 में। इसका जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में दिया गया है? ये दिया गया है लेबर मार्केट में महिलाओं के श्रम के लिए। जो ये रहने वाली हैं क्लाउडिया गोल्डन, ये रहने वाली हैं अमेरिका की। सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का, वो दिया गया था रेंगर फ्रिस व जेन टिनबर्गन को 1969 में। और पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया वो थे सत्य सेन, इन्हें 1998 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। अब देखते हैं ट्रिक, आप याद कैसे रखोगे इसे कि 2023 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे मिला है। इसकी ट्रिक है, जो भेद ही अच्छी बनाई गई है, ये है अर्थ गोल है। अर्थ से बना अर्थशास्त्र और गोल से बना बन गया क्लाउडिया गोल्डन। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है अर्थशास्त्र की, अर्थ गोल है यानी कि अर्थशास्त्र का दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत शांति का नोबल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो
तो जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये दिया गया है नरगेश मोमदी को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं बाकी जानकारी। जो शांति का पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी सभी स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1901 से। ये जो इन्हें नरगस मोमदी को दिया गया है, ये दिया गया है महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए। 31 साल ये जेल में रही हैं और ये रहने वाली हैं ईरान की। तो इसके ट्रिक देख लेते हैं, जिसके द्वारा आप ध्यान रखोगे नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से बना नरगेश मोमदी और ईरान से बना ईरान, यानी कि नरगेश मोमदी ईरान की रहने वाली हैं और मिला किस लिए है शांति के क्षेत्र में। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, नहीं तो आप भूल जाओगे किसको कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। शांति का पहला पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 1901 में हेनरी ड्यूनेट व फ्रेडरिक पेसी को। पहली बार जिस संस्था को मिला वो थी रेड क्रॉस। सबसे युवा शांति का पुरस्कार जो मिला है वो मिला है मलाला यूसुफजई को। सर्वाधिक बार मिला है रेड क्रॉस संस्था को, 3 बार मिल चुका है अब तक। और पहले भारतीय जिन्हें यह मिला था वो थे कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इनका नाम है जोन फासे। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। शुरुआत हुई है 1901 से और इन्हें अपने अभिनव नाटकों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके ट्रिक देखते हैं। साहित्य में ना फंस जाना, साहित्य से हो गया साहित्य का क्षेत्र, ना से होया ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, और फंस से हो गया जोन फांसे। आपको ट्रिकों को बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये ट्रिक इस हिसाब से बनाई गई हैं कि इनमें किस क्षेत्र से मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, किसे मिला है, सब इन्हीं ट्रिकों के अंदर आ गया है। तो इस क्लास को कम से कम 2 या 3 बार देखना, आपको ट्रिक सही सब कुछ याद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को। एक बात और याद रखनी है आपको, यह पुरस्कार कम से कम एक व्यक्ति को दिया जाते हैं और अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को एक साथ दे सकते हैं। तो इनके नाम हैं मोगी बोवंटी, लोइस ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव। तो ये तीनों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये भी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत हुई है 1901 में। इन्हें जो दिया गया है वो दिया गया है क्वांटम डॉट्स के लिए। ये एलईडी और टेलीविजन में लाइट के लिए होता है क्वांटम डॉट्स। इसकी ट्रिक है अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई।
जैसे देखो, अलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई, अलेक्सी से बना अलेक्सी, एकीमो एक टन से बना क्वांटम, किस लिए दिया गया है, क्वांटम के लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए। रसीली से बना रसायन विज्ञान, किस क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। मैगी से बना मोगी बोवंटिंग, और लाई से बना लुइस ब्रूस, यानी कि लुइस ब्रूस मैगी बोवंटिंग और अलेक्सी एकीमो को दिया गया है, किस में, रसायन विज्ञान में, और काम किस पर किया है इन्होंने, क्वांटम डॉट्स पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये भी तीन व्यक्तियों को दिया गया है, पियरे एगोस्टोनी, फ्रैंक क्रोन्ज और एनी एल हुलियर। तो ये तीन व्यक्तियों को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे पहले तो ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शुरुआत हुई है इनकी भी 1901 से। इनका जो क्षेत्र था, किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें भौतिक का, ये दिया गया पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के फोटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। फिर से देखते हैं, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से बना भौतिक, पीकर से बना पियरे एगोस्टोनी, फेरे से बना फ्रैंक क्रोन्ज, एनी से बना एनी एल हुलियर, और प्रकाश से मना प्रकाश के लिए इन्हें दिया गया है। तो सब कुछ कवर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेडिसिन में नोबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये आपके, ये दो को दिया गया है। एक तो है कैटालिन कारिको, हंगरी की रहने वाली हैं, और दूसरे हैं डू विस्मैन, ये यूएसए के रहने वाले हैं। तो ये इन्हें भी मिला है, इन्हें भी मिला है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। ये दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, शुरुआत हुई 1901 में। ये इन्हें दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, एमआरएनए से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास के लिए। इसकी जो ट्रिक है वो है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। कितनी अच्छी ट्रिक बनाई गई है। फिर से देखते हैं, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखे से बना, भूखे को इंग्लिश में कहते हैं हंगरी। तो ये हंगरी के रहने वाले हैं, कैटालिन पारिको, और विस्मैन रहने वाले हैं अमेरिका के। ये भी आपको इस ट्रिक में याद हो जाएगा, कैटालिन कैरिको हंगरी के रहने वाले हैं और विस्मैन अमेरिका के, और दिया किस लिए गया है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में। तो अब कुछ और बची हुई बातें देख लेते हैं। अब देखते हैं इंडियन नोबल प्राइज विनर, यानी कि भारतीय नोबल पुरस्कार विजेता, भारत में किस किस को कब कब किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हमारे कुछ महान वैज्ञानिक साहित्यकार, उनकी फोटो आपको दिखाई गई हैं। भारत में सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, अभी लिफ्ट के माध्यम से देखेंगे।
चलते हैं लिफ्ट पर। सबसे पहला भारत में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में मिला था और एशिया का साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पहला पुरस्कार था। यह मिला था गीतांजलि के लिए इनको, यह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। दूसरा नोबेल पुरस्कार भारत को मिला था, सीवी रमन को मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। तीसरा जो भारत को नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में। चौथा डीएनए के लिए 1968 में। फिर मिला मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में। उसके बाद मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा के लिए, यह मिला 1983 में। उसके बाद मिला अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए 1998 में। फिर मिला वी एस नायफोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। उसके बाद मिला राजेंद्र कुमार को शांति के क्षेत्र में 2007 में। उसके बाद मिला वेंकट रमन रामाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में, राइबोसोम के लिए 2009 में। इसके बाद मिला कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 1980 में यह आंदोलन हुआ था और ये इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति का 2014 में। और जो भारत की ओर से अंतिम नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वैश्विक गरीबी पर काम करने के लिए और 2019 में। मैंने आपको बहुत ही कम समय में नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी बातें इतिहास से लेकर 2023 तक की समझा दी हैं। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम का जरूर निवारण किया जाएगा और बहुत ही कम समय में हमने पूरा टॉपिक कवर किया। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरी आज की वीडियो को रखेंगे इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।